आज बात करने वाले हैं बेंगलोर के एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट के बारे में, और बहुत अच्छी कॉलेजेज है कह सकते हो यार, और इसमें प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। तो एक सोच लो कि कम पैसा में बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए और एक अच्छे कॉलेज भी मिल जाए, तो ये चूज कर सकते हो इस कॉलेज को, ठीक है ना। बेंगलोर में कमेंट कैसे मिलती है, ठीक है ना, काउंसलिंग में इसको रख सकते हो अपने एक स्तर पर, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी तक चैनल को अभी तक चैनल की सब्सक्राइब तो कर लो, किसी टाइप के जितना कमेंट किया है या बेंगलोर में है उसको मैंने कवर करता हूँ इंजीनियरिंग के। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AIT कहा जाता है बेंगलोर, ठीक है ना। ओवरऑल थोड़ा बात कर लेते हैं, एस्टेब्लिश की बात करें तो 1980 में एस्टेब्लिश उसको किया गया, तो कह सकते हो बहुत ज़्यादा ओल्ड कॉलेजेज है, ठीक है ना। और जितना ओल्ड कॉलेज में जाते हो उतनी ही अच्छी लगती है यार, एक रिपुटेशन भी आ जाती है, ठीक है ना, अपने अंदर, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट टाइप की अगर बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेज है ये। लोकेशन की अगर बात करें यहाँ पर तो बेंगलोर है, कैंपस टोटल एरिया की बात करें साइज की तो 20 acre की देखने को मिल जाती है। रैंकिंग देखो, कभी भी रैंकिंग आप उसके कॉलेज के हिसाब से या दिए गए हैं उनके हिसाब से मत करना, क्योंकि रैंकिंग ओवरऑल दी जाती है उसको, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा चीज़ से ऐसे है जिससे छटा जाती है, तो उसके ऊपर से नीचे ऊपर हो सकती है। इंजीनियरिंग की अगर देखा 2021 के देखा जाते स्कोर नैक ए मिला हुआ था, और 300 में से 251 रैंक पर बनी हुई है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग की, ठीक है ना, तो थोड़ा सा देख लेना अपना। वहीं पर हम कोर्स की बात करें तो कोर्स ऑफर जो यहाँ पर करती हैं बहुत सारे इंजीनियरिंग के, मैं बात करने वाला हूँ, तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करते 120, मैकेनिकल की बात करते 180, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक की बात करते 60, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करते 180, और इंडस्ट्रियल की बात करें तो 60 आपको, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस की बात करते 180, और टेलीकॉम कम्युनिकेशन की बात करते 60, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते 60, और मैकेनिकल के 60, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो कम सीट है, यहाँ पर 20 acre बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें इंजीनियरिंग बच्चे होंगे तो बहुत अच्छी हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको 900 से ही अंडर में आ रहे हैं बच्चे, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है कि कम स्टूडेंट होती है ना, तो प्लेसमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखो बहुत पुराना कॉलेज है, तो कर्नाटका का अगर हो तो 30,000 से लेकर 31,000 तक देखने को मिल जाती है। वहीं जनरल में अगर आप कर्नाटका से नहीं हो, अदर स्टेट से हो, तो बहुत ज़्यादा पैसे इसमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि 70,000 तक आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेना, इसको थोड़ा सा पॉज करके देख लो फी स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। मोड ऑफ एडमिशन की बात करते मैंने बोला कि कमेट के और KCET से। अगर KCET से वो जाते हैं जो कि आप पर काउंसलिंग जो होती है वो आपको है ना कमेट के से ही होती है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। पर जो मोड ऑफ एडमिशन की जो होती है कमेट के से और KCET से होती है। अब KCET वो होती है जो आप तेलंगाना या कर्नाटका के हो आप राज्य के, तो उस समय आपको ये देना पड़ता है KCET, ठीक है ना। अगर नहीं हो तो जनरल कमेट से ही जा सकते हो, ठीक है ना। वहीं पर हम बात कर लेते कटअप की, तो कटअप अगर देखोगे तो यहाँ एरोनॉटिक इंजीनियर की बात करें तो राउंड फर्स्ट में 28,000 से लेकर आपको देखने को मिल जाती है 40,000 तक, ठीक है ना। राउंड टू तक, राउंड फोर की यहाँ पर दी नहीं है कि ये, क्योंकि हुआ ही नहीं होगा, ठीक है ना। सिविल की वहीं पर बात करते 31,000 से लेकर 40,000 तक देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो लास्ट जो गई है 35,000 तक गई है, तो थोड़ा सा वेट करोगे अगर इतना रैंक है तो कंप्यूटर साइंस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें तो आपको 14,000 से लेकर 23,000 तक देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा इसमें कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। इंफॉर्मेशन की बात करो आपको तक सकते हो कि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसी, ये तीन ब्रांच बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में आजकल के जनरेशन में आती है, ठीक है ना, कह सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा पॉज करके देख लेना, ठीक है ना। मेडिकल इंजीनियरिंग भी है, तो इस बात को ध्यान देना, इसमें अलग एक डिफरेंस आपको देखने को वाइब मिल जाती है, ठीक है ना। प्लेसमेंट की अगर बात करो ओवरऑल की, तो आपको 25,00,000 रुपये हाई देखने को मिल गया था। एवरेज पैकेज की बात करें तो 7,00,000 रुपये देखने को मिल गया था, और टोटल रिक्वायरमेंट बात करें तो 70 कंपनियाँ आई हुई थी। अच्छी है यार, क्योंकि कम इसमें स्टूडेंट भी हैं, ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना। और देखो यहाँ पर ऑफर जो है 800 पर मिली हुई थी, तो बहुत अच्छी एक कह सकते हो। एवरेज पैकेज भी देख लेंगे चलो कि आपको 7,00,000 रुपये देखने को यहाँ पर मिल रही है, और 25,00,000 रुपये हाइस्ट कही हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें कंपनी के कौन कौन कंपनी आती है, तो TCS आ जाती है, SHR आती है, Amazon आ जाती है, कैप्चन आ जाती है, ठीक है ना, IBM आ जाती है, CGI आ जाती है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती है। फिर KCET की बात करें तो यहाँ पर आपको बॉयज़ हॉस्टल मिल जाती है, गर्ल्स हॉस्टल मिल जाती है, स्पोर्ट आ जाते हैं, मेडिकल आ जाते हैं, IT इंस्पेक्शन बहुत अच्छी है, लाइब्रेरी है, जिम है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो कह सकते हो ओवरऑल एक अच्छी कॉलेज है, अच्छी आपको प्लेसमेंट मिल जाती है, सारी चीज़ कैंपस में आपको फैसिलिटी दी जा रही है, तो कम बजट में है ना, बहुत आपको 70,000 या कह सकते हो 60,000 या 30,000 में आपको इतना अच्छा कॉलेज पर साल को आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, इस बात को देखना, पर साल को आपको देखने को मिल रहा है। यानी आपको जो है बीटेक आपको जो 4 ईयर का है वो आपको जो कंप्लीट होगी वो आपको 4 से 3 लाख 4 लाख 5 लाख में आपको पूरा कंप्लीट हो जाए, तो इससे ज़्यादा कोई चीज़ चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।